व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज हम क्लास ट्वेल्व का बायोलॉजी उर्दू मीडियम के आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक आया है उसे डिस्कस करेंगे तो आज जो है हम सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि हवानात में अमर तोलीद इसे डिस्कस करेंगे तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे एम सी क्यूज से आता है सवाल नंबर एक द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल इज़ यानी कि नर के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है तो जवाब होगा टेस्टिस यानी के फ़ोते क्वेश्चन नंबर टू है सेमिनल फ्लूड इज डैश इन नेचर सेमिनल फ्लूड कैसा होता है तो ये अल्कलाइन होता है असासी होता है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूटेरस यूटेरस का कौन सा हिस्सा नहीं है यूटेरस यानी कि रहम जिसे हम बच्चादानी कहते हैं बॉडी है सर्विक्स है फंडस है, है सिर्फ जो लास्ट का पार्ट है कॉर्नुआ वो पार्ट नहीं है तो जवाब होगा डी क्वेश्चन नंबर फोर मीनार्स वेंस्ट्रोल साइकिल एंड मीनोपास आर कंट्रोल्ड बाय तो मीनार्च यानी कि जब फर्स्ट टाइम क्या होता है पीरियड्स आते हैं इसे मीनार्च कहते हैं मैंस्ट्रल साइकिल यानी कि पीरियड्स आते हैं मीनोपॉज यानी कि रुक जाना तो ये कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं हम गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जी टी एच उसके बाद है नंबर पाँच नेबन इज नेबन किसे कहते हैं तो याद रखें कि जो स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियान होता है इसे हम नेबन कहते हैं उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर तो तीन एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं एक्टोडम ईजोडम इंडोडम जिसमें से नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टोडम से डेवलप हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन दी एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन लास्ट फॉर डैश डेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जो हम नाइन मंथ का पीरियड कहते हैं नौ महीने जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है इसे हम गेस्ट्रेशन पीरियड भी कहते हैं जो दो दिन का होता है Uh, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट डैश इज़ नॉट अ परमानेंट मेथड ऑफ़ बर्थ कंट्रोल कि पैदाइश को रोकने के लिए कौन सा मेथड ये परमानेंट नहीं है अब देखिए वैसेक्टोमी ट्यूबैक्टोमी विड्रॉल और कैस्ट्रेशन तो वैसेक्टोमी ट्यूबैक्टोमी और कैस्ट्रेशन ये तो परमानेंट मेथड है कि एक मरतबा फीमेल्स के अंदर ट्यूब को कट कर दिया जाए फैलोपियन ट्यूब को फिर बांध दिया जाता है वैस डिफरेंस को कट किया जाता है बांध दिया जाता है इस तरीके से ये तो परमानेंट मेथड हो गए लेकिन विड्रॉल जो है ये परमानेंट मेथड नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर नाइन द ऑर्गेनिज्म कॉज गनोरिया इज़ गनोरिया हो गया है सिफिलिस हो गया है एड्स हो गया है ये तमाम एस है यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है जिनसी बीमारियां हैं तो इसमें आपको गनोरिया के बारे में पूछा गया है कि गनोरिया किस कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलता है तो ये फैलता है निजेरिया गनोरी तो इसका जवाब होगा निज़ेरिया और लास्ट क्वेश्चन एम सी क्यूज से हम देखेंगे हाउ मेनी पेयर ऑफ टेस्टीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल अब देखिए कि मेल के अंदर कितने टेस्टीज नहीं पूछ रहा है टेस्टीज़ की जोड़ी पूछ रहा है तो मेल के अंदर कितने फोते होते हैं जोड़ी होती है एक जोड़ी एक जोड़ी यानी कि दो तो जवाब होगा वन पेयर यानी एक जोड़ी यहाँ पर हमने एम सी क्यूज देखे हैं अब हम बढ़ते हैं हमारे सिंगल सेंटेंस आंसर की तरफ जो आपके लिए है क्वेश्चन नंबर वन नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा एंजाइम बनाता है वो बनाता है एसिड फॉस्फर क्वेश्चन नंबर टू है ग्लैंड पेनिस किसे कहते हैं तो ग्लैंड पेनिस क्या है कि पेनिस की जो टिप है उसका जो स्वेलन टिप होती है पेनिस की इसे हम क्या कहते हैं ग्लान्स पेनिस कहते हैं जो ऊपरी तिकोनी हिस्सा जो होता है जो सिरा होता है इसे हम ग्लान्स पेनिस कहते हैं उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ एट्रेसिया विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी इन ह्यूमन फीमेल तो देखिए कि ह्यूमन uh, फीमेल के अंदर जो है uh, जो प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं टूटते हैं तो इनका टूटना इनका ख़त्म होना डिस्ट्रक्ट होना लार्ज नंबर ऑफ प्राइमॉर्डियल फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन होना इसे हम एट्रेसिया कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर नेम द हाइड्रोलाइटिक इंजाइम सिक्रेटेड बाय एकरोजोम एक्रोजोम कौन सा इंजाइम बनाता है तो एकजोम बनाता है हाइलोरिनी डेस कौन सा इंजाइम बनाता है वो हाइलोरिनी डेस एक्रोजोम क्या है ये इस्पॉम की जो ऊपरी जो हेड के हिस्से में ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम एक्रोजोम कहते हैं जो हाइलोरिनीडेस एंजाइम बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज मोरूला मोरूला किसे कहते हैं हम तो जब हमें पता है क्लीवेज के दौरान यानी कि ख़िता के दौरान जब 16 से 32 सेल्ट स्टेज के अंदर जो है डेवलपमेंट हो जाता है 16 से 32 सेल का जो एक क्या बनेगा एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसे हम मोरूला कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इनर सेलमास इनर सेलमास का क्या काम है तो ये प्रॉपर को क्या करता है डेवलप करता है यानी कि इनर मास से प्रॉपर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एम्ब्रियनिक लेयर विच फॉर्म द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स डेवलप यानी कि कौन सा लेयर है जिसके जिससे दिल खून और खून की नालियाँ बनती है तो याद रखें मीज़ोडर्म है मीजोडर्म से हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं क्वेश्चन नंबर एट है आइडेंटिफाई द परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड इन द गि डायग्राम तो ये जो आप लोगों को डाइग्राम दी गई है इस डाइग्राम में हमें क्या बताना है कि ये कौन सा मेथड है तो याद रखें ये जो है आपको फीमेल का पार्ट दिया गया है ये ट्यूबैक्टोमी को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पे देखिए फीमेल के अंदर जो है फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया गया है इसके बाद जो है ये एक परमानेंट मेथड है ताकि हम पॉपुलेशन को रोक सके आबादी को रोकने का यह तरीका है ट्यूबैक्टोमी इसके अलावा आप लोगों को मेल की भी डायग्राम यहाँ पे आ सकती है जिसके अंदर वास डिफरेंस को काट कर क्या किया जाता है बांध दिया जाता है इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट इज द यूज़ ऑफ टैबलेट सहेली तो सहेली क्या है ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है यानी कि ये गोलियां होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है रोका जाता है और क्वेश्चन नंबर टेन में जो डायग्राम आपको दी गई है आई यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस दिया गया है यूट्रस में लगाने की ये एक लिप्स लूप होती है तो यहाँ पर हमने जो है वन मार्क क्वेश्चन को कम्प्लीट किया है इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है हमारे टू मार्क्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस यानी कि इंसान के मेल के, uh, के अंदर जो टेस्टिस है वो टेस्टिस की हमें क्या करनी है आप लोगों को डायग्राम बनानी है तो इसमें एलएस ऑफ टेस्टिस में आप देख सकते हैं टेस्टिस की अर्जी तराश यहाँ पर आप लोगों को दी गई है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर पे आप लोगों को नोट लिखना है कोई चार पॉइंट यहाँ पे हमें लिखने हैं तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सवाल नंबर बीस के अंदर जराप, ग्राफियन जरा यानी ग्राफियन फॉलिकल के साथ बयान कीजिए तो ये आपको पेज नंबर थर्टी फोर और थर्टी फाइव पर भी इसके कुछ पॉइंट आप लोगों को नज़र आएंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए इसके आंसर आप लिखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब ये जो है फीमेल का पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें पता है कि फ़ीमेल के अंदर क्या होते हैं ओवरीज होते हैं उसके बाद फेलोपियन ट्यूब होते हैं तो देखिए पेज नंबर ट्वेंटी एट पर आप लोगों को सेकेंड लास्ट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर बैज नली यानी काजिफ़ नली फेलोपियन ट्यूब जिसे ओ वी भी कहते हैं ये बैजदान से रहम तक मौजूद होती है इसका अगला हिस्सा बेज नली और इसका जो पिछला हिस्सा है वो फैलोपियन ट्यूब कहलाता है इसके बाद इसके पॉइंट दिए गए हैं और इसके अफाल भी आप लोगों को दिए गए हैं इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाटेलिया इन ह्यूमन फ़ीमेल ह्यूमन फ़ीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्वेश्चन नंबर फोर में uh, यहाँ पर देखिए तो आप लोग पॉइंट देखिए बुलवा है उसके uh, वजाइना है बुलवा है और यहाँ पर बारथोलियन ग्लैंड्स वगैरह दिए गए हैं तो ये आप लोगों को एक्सटर्नल जेनाटेलिया में लिखना है इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो सेकेंडरी ऊसाइट का मतलब होता है जो एग है यानी कि अनफर्टिलाइज ओहम जो है इंसानी गैर बार आवरबैज़ा जो है इस पर हमें लिखना है इसे सेकेंडरी ऊसाइट भी कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर एटीन इसका जवाब होगा उसके बाद जो अगला सवाल है राइट एन अकाउंट ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस तो क्लीवेज पर लिखना है क्लीवेज यानी कि खिता जिसे हम कहते हैं इस पर लिखना है तो देखिए क्लीवेज के बारे में जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लिखेंगे खिता किसे कहते हैं या ब्लास्टुला बनने के अमल तक की खिदारी की क्या कीजिए आप वजाहत कीजिए तो यहाँ पर हमें क्लीवेज के पॉइंट नज़र आ रहे हैं दुगने जगता में मसावी तकसीम का मल ये ख़ितादारी कहलाता है जिसके नतीजे में मोरूला बनता है इसके स्टेजेस आप लोगों को दिए गए हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर सेवन है आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड इन द गिवन डायग्राम तो दी गई शक्ल में जो डायग्राम में आप लोगों को ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है तो इसकी लेबलिंग हमें करनी है तो देखिए ये एक गैस्ट्रोला की तूली तराश दी गई है जिसके अंदर आप देखेंगे एक्टोडम मीजोडम इंडोडम और उसके बाद है कोरियन उसके बाद है सिलोम यॉक्सिक और एमनियोटिक कैविटी तो यहाँ पर डायग्राम देख के आप लेबलिंग कीजिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैक्टेशन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेगुलर सीक्रेशन यानी कि लैक्टेशन किसे कहते हैं अब लैक्टेशन क्या है कि पैदाइश के बाद जो है बच्चे को क्या किया जाता है दूध पिलाया जाता है बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की पिस्तान से जो दूध का इफ्राज होता है इसे हम क्या कहते हैं लैक्टेशन कहते हैं और इसके लिए जो हार्मोन है वो है एल टी एच यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दूध के इफ्राज में क्या करता है मदद करता है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर सिक्रेशन का जो हार्मोन है तो हार्मोन का नाम क्या है प्रोलैक्टिन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन है मेंशन एनी टू डिफरेंट गोल्स ऑफ आर सी एच प्रोग्राम आर सी एच प्रोग्राम जो है इसके कोई दो हमें क्या लिखने हैं मखासीद लिखना है कि आर सी एच प्रोग्राम क्या है तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर गोल्स ऑफ आर प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है आर यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इस ये जो है अमले तोलद से मुतक मतलब पहलुओं के बारे में लोगों में शौर पैदा करना तोलदी सेहत को समझने और तमीर करने के लिए लोगों को सहूलियात की फरहमी करना और तोलदी सेहत तौर पर सेहतमंद माशरे की तमीर के लिए मदद फराम करना ये सब आर प्रोग्राम के जो है वो गोल्स होते हैं इसके मकासद है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमने दिया गया है व्हाट इज एम टी पी अपू विच मंथ इट इज तो यहाँ पर जो है कौन से मंथ तक ये सेफ होगा और एम टी पी किसे कहते हैं तो देखिए याद रखें एम को हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल की तबीयही तबी रुकावट जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है ये जो इरादी या गैर इरादी तौर पर हमल का वक्फ़ा मुकम्मल होने से कबल फ़िटस को जैसे से निकाल देना यह एम कहलाता है यह इंसान की आबादी पर काबू पाने में एक अहम किरदार अदा करता है उन्नीस में हिंदुस्तानी हुकूमत ने एम के क़ानून को जायज़ करार दिया है बशर्त यह है कि फिटस मोनस ना हो यानी कि लड़की ना हो लाइक like, जब हमल गैर इरादी तौर पर होता है और या फिटस में अगर कोई नुस्ख़ होता है तो एम टी पी ज़रूरी हो जाता है तो ये चार महीनों तक जो है एम टी पी हमल के पहले चार महीनों तक महफूज रहता है उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा थ्री मार्क्स क्वेश्चन है तो इसमें है डिस्क्राइब द हिस्ट्रोलॉजी ऑफ टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम तो यहाँ पर टेस्टिस का फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन हिस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस आप लोगों को बनाना है और इसके पॉइंट भी लिखना है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपको एट में देखेंगे फोतः यानी टेस्टिस की अर्जी तराश का नामजद खाका बनाइए या नसीजात साख बनाइए डायग्राम के साथ इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में जो है यहाँ पे लेबलिंग दी गई है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप लोगों को दिया गया है ए बी सी डी ई एफ तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए तमाम पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं इंसान का मादा तोलिदी निज़ाम है ओवरी है फैलोपियन ट्यूब है यूट्रस का पार्ट है फंडस है इधर से जो है फेलोपियन ट्यूब का एम्पूला है ओवेरियन लिगामेंट है यूट्रस है यूट्रस की अंदरूनी दीवार है इंडोमेट्रियम है यूट्रस का लास्ट पार्ट है सर्विक्स है और बजाना है इस तरीके से इंसान का मादा तोलिदी निज़ाम यहाँ पर लेबलिंग दी गई है डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी ओवरी के बारे में आप लोगों को हिस्टोलॉजिकल इस्टचर इसकी नस्सी जाति साख बनानी है इसका डायग्राम नहीं बनाना है तो ओवरी के अंदर जो हमने भी टेस्ट देखा था तो वो मेल का पार्ट था और यहाँ पर जो है आप लोगों को ओवरी की नसीजियाती साख्त जो है वो बनानी है तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ये बैजदान की नसीजियाती साख्त हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ये तो यहाँ पर पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे आप लोगों को ये दी गई है इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विथ लेबल डायग्राम ह्यूमन स्पर्म देखिए ये इंसानी मनवीय की साख्त जो है uh, सवाल नंबर सोलह ये आप लोगों को करना है इसके बाद है अगला क्वेश्चन Uh, सवाल नंबर पाँच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओ जेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल ह्यूमन फीमेल के अंदर ओ जेनेसिस का प्रोसेस तो ये आप लोगों का इंसान में बैज़ा खैजी ऊ जेनेसिस के अमल की वजाहत है सवाल नंबर सत्रह ये दिया गया है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट अ नोट ऑन इम्प्लानशन तो यहाँ पर इम्प्लानशन किसे कहते हैं ये आप लोगों का सवाल नंबर सत्ताईस है कि ब्लास्टोसिस्ट का रहम की दीवार में जुड़ने का अमल इम्प्लान कहलाता है और ये बारावरी बार आवरी के बाद सातवें दिन से शुरू होता है और जन रहम के फंडस की इंडोमीट्रियम में जुड़ता है और इसके तमाम जो नीचे हैं गैस्ट्रोला की तीन जर्सुमी तहें उनका मुस्कबिल लिखिए तो इस तरीके से आप लोगों को इम्प्लानशन तीन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसके बाद जो है अगला सवाल ह्यूमन प्रेगनेंसी शो द थ्री प्रोमिनेंट ट्राइमिस्टर आंसर द फॉलोइंग तो पहला जो है अब ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर जो तीन तीन मंथ में जो है वो प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है पहला पहले तीन मंथ फिर अगला तीन मंथ फिर उसके बाद नेक्स्ट तीन मंथ तो इसे ट्राइमेस्टर कहेंगे तो इसके अंदर जो है क्या है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो पहले जो ट्राइमेस्टर है पहले तीन महीने के अंदर माँ के अंदर जो है वो क्या होते हैं कुछ चेंजेस आते हैं इसे हम क्या कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं तो सुबह की बीमारी है जिसे तो आम तौर पर हमल के पहले ये चार महीनों में होती है ये पहली अलामत होती है कि औरत हामिला है इसमें क्या होता है औरत में मतली होती है कभी कभार उल्टी होती है तो इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस रखा गया है लेकिन नाम मॉर्निंग सिकनेस होने के बावजूद ये दिन के किसी भी वक्त जो है ये तकलीफ का सबब बन सकती है उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है नेम द हार्मोन सीक्रेट इन सेकंड ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा हार्मोन बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है और थर्ड है द आर्गन विथ सीक्रेट हारमोन इन सेकेंड ट्राइमिस्टर वो कौन सा उजू है जो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करता है हार्मोन बनाता है तो वो उजू है प्लासेंटा जिसे हम मशमिया कहते हैं अब सवाल नंबर आठ है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन पार्चुरेशन किसे कहते हैं पार्चुरेशन को जो है उर्दू में हम कहेंगे जचगी तो जचगी का प्रोसेस क्या है डिलीवरी uh, का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं तो यहाँ पर जो है सवाल नंबर पैंतीस में आप लोगों को पूरा अमल और उसकी वजाहत दी गई है उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन द एनी थ्री मेजर्स टू अचीव द गोल ऑफ आर सी एच तो आर सी एच को अचीव करने के uh, जो है गोल्स क्या है तीन थ्री मेजर्स क्या कर सकते हैं तो, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है जैसा कि कौन कौन से मेथड है जैसे कंट्रासेप्टिव मेथड हो गया है आबादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बाद मैंनेस्ट्रल रेगुलेशन है एम टी पी सर्विसेस है एडलिस प्रॉब्लम्स है तो इसके अंदर आप अपने दिल से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर जो है ओरल पिल्स का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो है लिप स्लॉप्स है और जितने भी मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसा कि आप लोगों को इसके आंसर के लिए देखिए टेम्प्ररी मेथड्स दिए गए हैं बर्थ कंट्रोल के इसके बाद जो है मैकेनिकल मेथड मैकेनिक तरीके दिए गए हैं इंटराट्राइन डिवाइस दिए गए हैं मे, परमानेंट मेथड दिया गया है एम टी पी दिया गया है उसी तरीक़े से यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं एडलसनस के अंदर अब ये जो चैप्टर आप लोगों को दिया गया है तो एडेलसंस के जो भी प्रॉब्लम है उसी तरीके से एम टी पी सर्विसेस है उसी तरीके से मैंस्ट्रल रेगुलेशन है तो आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो मदद कर सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लेन थ्री मेथड दैट कैन बी यूज टू ओवरकम इनफर्टिलिटी यानी कि अगर कोई शख्स है या कोई कपल है अगर उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है यानी कि अगर उनके अंदर बांझपन है या उनके औलाद नहीं है तो हम उन्हें क्या मशवरा देंगे तो कोई भी तीन मेथड्स हम बताने हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स जो है आप लोग इसके अंदर मिला के लिख सकते हैं जैसा कि आई वी एफ है इनविट्रो फर्टिलइजेशन है या जैगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक है या गिफ्ट है गैमिट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है टेस्ट ट्यूब बेबी है ये सरोगेट मदरहुड है तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिसके ज़रिए जो है इनफर्टिलिटी Uh, को ओवरकम किया जा सकता है तो इस पर आपने डिटेल में लिखना है पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फोर मार्क्स क्वेश्चन है राइट एन अकाउंट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेमिनल वेसिकल के ऊपर बल्बो यूरेथरल ग्लैंड यानी हम जिसे काउपर्स ग्लैंड कहते हैं इसके ऊपर हमें क्या करनी है नोट लिखनी है uh, तो आप लोगों को पता है कि मेल के अंदर जो क्या है ग्लैंड्स से, है सेमिनल वेसिकल है प्रोस्टेट ग्लैंड है उसी तरीके से और दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं तो इनके ऊपर हमें लिखना है तो देखिए यहाँ पर सेमिनल वेसिकल माविन जो हदूद दिए गए हैं उन माविन वदूद के ऊपर लिखना है मनवी कैसा जिसे कहते हैं सवाल नंबर आप लोगों को जो है ये सवाल नंबर सात के अंदर पॉइंट नंबर एट जो है पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पर आप लोगों को मिलेगा उसी तरीके से जो काउपर्स ग्लैंड दिया गया है काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथरल ग्लैंड इसके ऊपर भी जो है वो नोट लिखना आते है। तो हैं मेल के अंदर पाए जाने वाले उदूद होते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ओवेरियन साइकिल विथ इट्स डिफरेंट फेजेस ओवेरियन साइकिल को हम मैंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं हैज़ का दौर है जिसके अंदर आप लोगों को इसके जो चार फेजेस दिए गए हैं वो माहवारी के वो मुफसिल आप लोगों को लिखना है तो पहला है माहवारी का दौर है मैनुस्ट्रल फेज है प्रॉलीफरेटिव फेज होता है ओवोलेटरी फेज होता है और सेक्रेटरी फेज होता है डिटेल आंसर चार मार्क्स के लिए आप लोगों को लिखना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे डिस्क्राइब द uh, प्रोसेस ऑफ तो स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस है तो स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस है फीमेल के अंदर जो रहेगा वो ऊ जेनेसिस पर हमने देखा था मेल के अंदर देखिए इस पर इस पर मेटोजेनेसिस मनवा खैजी किसे कहते हैं सवाल नंबर पंद्रह जो है आपको डिटेल लिखना है इसके अंदर डायग्राम भी आप लोगों को लिखना है किस तरीके से प्राइमॉर्डियल सेल होता है माइटोसिस में जाता है इस पर मेटोजेनिस का प्रोसेस होता है उसके बाद जो है लास्ट में जो है वो चार स्पर्म बनते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सवाल नंबर चार मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इंसानों के अंदर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है बारावरी सवाल नंबर उन्नीस है पेज नंबर थर्टी थ्री पर अमल की वजाहत करनी है और इसकी अहमियत हमें लिखनी है उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी जो हमने फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन देखा ये सवाल नंबर उन्नीस था आप लोगों का बारहवरी का उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखेंगे राइट इन डिटेल एनी फोर टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल के कोई भी चार टेम्पररी मेथड लिखने हैं अब टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड ये दो अलग अलग प्रोसेसेस है दो अलग अलग मेथड्स हैं तो यहाँ पे देखिए टेम्प्री मेथड आरजी तरीक़ा है जिसके अंदर सेफ़ पीरियड मेथड महफूज़ मुबासरत का वक्फा उसके बाद है क्वाइटस इंटरप्ट है और केमिकल का इस्तेमाल है मैकेनिकल मीन्स भी यहाँ पे दिए गए हैं उसके साथ है कंडोम का इस्तेमाल है डायफ्राम का इस्तेमाल है इंटराूटराइन डिवाइस जो है आ, वो भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद तहवीली तरीक़ा है इंजेक्शन के ज़रिए है तो आप लोगों को या तो जो है टेम्प्ररी मेथड आ सकता है परमानेंट मेथड जैसा कि हमने एम सी क्यू क्वेश्चन के अंदर ये जो बी डायग्राम थी जो ट्यूबैक्टोमी है तो इधर जो है मेल की आपको वैसेक्टोमी आ सकती है या इसी तरीके से यहाँ पे लिप्स लुप्स मैंने बनाया है आई ओ डी उसके बाद ऊपर जो है टैबलेट सहेली के बारे में दिया गया है कि जो दवाइयाँ गोलियाँ ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है इसके अंदर एफ एस एच और एल एच हारमोन होता है जो बैज़ैज़ और बेज़ अखराज के अमल को क्या करता है रोकता है तो इस तरीके से आप लोगों को अप्लाइड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है तो यहाँ पर हमने जो सेकंड चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ये एक कंप्लीट देखा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और आंसर्स को याद कीजिए अल्लाह हाफिज़